अमृतपाल की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान। सीएम मान ने इशारों में कही ये बड़ी बात। आप भी सुनिए, क्या गिरफ्तार हुआ अमृतपाल? तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। पंजाब के लोग हंसने खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़मा जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल ख़राब करने की बातें कर रहे थे, नफ़रत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत पेरेंट्स के फ़ोन आए, माता पिता के फ़ोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं, जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोज़गार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है।